आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सी पोशाक। और इसके लिए हमने लाल और हरा कलर का कपड़ा लिया है। और अब हम कपड़े पे इस तरह से कटोरी को रख के और पेंसिल से मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क कर लेना है और हम कट करेंगे इसको। कट करने के बाद इस तरह से गोल शेप में बनेगा हमारा ये। और हम कपड़े पे इसको इस तरह से रख के कट कर लेंगे। तो बाकी के हम इस तरह से कट कर लिए हैं और तीन मैंने हरे और लाल लिए हैं। और अब हम इसको बुकरम पेपर पर चिपकाएंगे प्रेस से। तो हमें सुलटा और उल्टा दे के ही चिपकाना है। उल्टा साइड हमें बुकरम की साइड में रखना है और इस तरह से हमें उल्टा करके फिर प्रेस से चिपका लेंगे। प्रेस हमारी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चिपक जाएगा, ख़राब हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथ से इसको अच्छे से चिपका लेना है। और चिपकने के बाद में देखिए हमने सारे इस तरह से चिपका लिए हैं। और चिपकाने के बाद में हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैंने कट कर लिया है इसको और इस तरह से हमने सारे को कट कर लिया है, देखिए। तो अब हम अस्तर लेंगे और अस्तर पर इस तरह से हम रखेंगे। और देखिए इस तरह से रखना है हमें ऐसे, और सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय हमें 2 इंची में खुला रखना है इसको। तो हम इस पर सिलाई करेंगे। सिलाई हमारी छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं रखनी है हमें सिलाई को, क्योंकि नहीं तो हमारा ये सिलाई निकल जाएगी। इसलिए हमें सिलाई को छोटा ही रखना है और एकदम कॉर्नर पर भी नहीं करनी है सिलाई। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे हम। और अब हम इसको एक्स्ट्रा अस्तर है उसको कट करेंगे इस तरह से। तो हमने अस्तर को कट कर लिया है और अब हम इस पर कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से कट लगाना है, सिलाई से थोड़ा दूर रखना है कट को, नहीं तो सिलाई निकल जाएगी। तो इस तरह से हमें सारे में कट लगा लेने हैं। और कट लगाने से क्या है, अच्छे से सीधा होगा, नहीं तो दिक्कत होती है इसमें सीधे करने में। तो इस तरह हमने सीधा कर लिया है कपड़े को अच्छे से, और हल्के हाथ से करना है इस तरह से, उंगली से अच्छे से कर लेंगे और इस तरह से। और अब हम अच्छे से इसको जमा लेंगे हाथ से, उंगलियों से। और अब हमारा जो खुली हुई सिलाई थी, हमें इस तरह से इसको सिलाई कर लेनी है फोल्ड करके। तो इस तरह से हमारी सिलाई करने के बाद हम ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा ये बने। फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाली पोशाक बनाना, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगती है जब आप इस तरह की ड्रेस बना के अपने कान्हा जी को पहनाओगे। तो मैंने इस तरह से सारे बना लिए हैं, देखिए सभी को इस तरह से बना लिया है। और अब हम इसको सेट करेंगे, देखिए। तो इस तरह से हम सेट करेंगे कि हमारी जो खुला वाला जो पार्ट था जिसने हमें बाद में बंद किया था, तो इस तरह से वो नीचे रखना है हमें इस तरह से, देखिए बिल्कुल बराबर की साइज़ में रखना है, कम बेसी में नहीं रखना है। इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है, देखिए सिलाई हमारी नीचे ही रहनी चाहिए जो खुला हुआ पार्ट रखा था मैंने। तो इस तरह से हमें कर लेना है अच्छे से और इस तरह से रखेंगे, देखिए।
आप सेट करके ही रखना अपने हिसाब से। देखिए तो हमारा ये सेट हो चुका है और अब हम इस पर पिनअप करेंगे ताकि इधर उधर डूले ना सिलाई करते वक्त। तो इस तरह से हमें पिन लगा लेना है इस पर। पिन लगाने से क्या है, हमारी फिनिशिंग के साथ सिलाई होगी, कम बेसी नहीं, इधर उधर नहीं होंगे पार्ट। तो इस तरह से हमें पिन को अच्छे से लगा लेना है। हमें पिन को एकदम कॉर्नर पे नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ पे हम सिलाई करेंगे, तो हमें एकदम कॉर्नर पे नहीं लगानी है पिन को, बीच में लगाना है। देखिए इसे इस तरह से हमने सेट करके अच्छे से और पिन भी लगा लिए हैं इस तरह से। देखिए तो हमने सेट कर लिया है, अब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो देखिए सिलाई हमें इस तरह से करनी है। सिलाई को बारीक ही रखनी है, छोटी रखनी है सिलाई को, और हम पिन को साइड में कर देंगे। इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है अच्छे से। हमें सभी को इस तरह से सील लेना है अच्छे से। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। जन्माष्टमी आ रही है और इस तरह की आप ड्रेसें बना सकते हैं इस तरह के वीडियोस देख के। और हमारे घर में इस तरह के कपड़े तो मिलते ही हैं, तो इस तरह से हम छोटे छोटे कपड़े से भी पोशाक बना सकते हैं। और हमने सिलाई कर ली है, देखिए सिलाई हमने कर ली है और एक को हमने खुला छोड़ा है इस तरह से। एक्स्ट्रा धागे कट करेंगे और अब हम इस तरह से इसको एक पट्टी लेंगे 2.5 सेंटीमीटर की और इस तरह से फोल्ड करेंगे, उल्टा रखेंगे ड्रेस को, फिर हमें इसको पट्टी को लगाना है इस पर। ये जहाँ से खुला है वहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो हमारा ज़्यादा था उसे हम कट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से नीचे की साइड में लगा लिया है, ऊपर की साइड में हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे पट्टी को। और हमने ये ऊपर वाली पट्टी भी लगा ली है और अब हम इस पर लगाएंगे लेस जो पतली लगाएंगे। तो देखिए हमें पहले इस तरह से सेट कर लेना है, उसके हिसाब से ही लेस को लगाना है हमें। इस तरह से देखिए अच्छे से सेट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से इस तरह से करके नीचे से थोड़ा सा उलट देंगे लेस को और फिर हम लेस लगाएंगे। लेस हमने ज़्यादा मोटी नहीं ली है क्योंकि कपड़ा हमारा जरी में था, इसलिए हम पतली लेस लगाएंगे। तो इस तरह से हमें लगा लेनी है, देखिए। तो हमने लेस को लगा लिया है और अब लास्ट वाला जो है इस तरह से उलट के फिर अच्छे से इसको सिलाई कर लेंगे इस पर। तो हमारी लेस भी लग चुकी है
और देखिए तो बहुत ही सुंदर लुक आया है इस पोशाक का। फ्रेंड्स आप भी ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा प्लीज़। और इस तरह से हम जो चिपकी पट्टी होती है वो लगाएंगे इस पर खुली साइड में, तो इस तरह से हमें चिपकी पट्टी लगा लेनी है। आप चाहे तो मशीन सुई किसी से भी लगा सकते हो या आप ग्लू से भी चिपका सकते हो। और मैंने ली है ये 2 सेंटीमीटर की पट्टी, तो इस तरह से हमें सीधा करके इसको सिलाई करनी है। पट्टी अगर आपको बड़ी लग रही है तो आप कट कर सकते हैं। मैंने चोली के हिसाब से ही पट्टी को लिया है और ज़्यादा है तो इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है और अब हम इस तरह से तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसको कट कर लेंगे। और अब हम इस पे लगाएंगे लेस जो हमने इसमें लगाई थी ड्रेस में, तो इस तरह से हम लेस लगाएंगे। मैं 4 नंबर कान्हा जी के लिए ये पोशाक बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने ये चोली बनाना है। तो आप अपने जितने भी नंबर के कान्हा जी है उसी के हिसाब से आप चोली बनाइएगा। तो हमने इस तरह से लेस को लगा लिया है और अब हम इसको उल्टा करके और तिरछी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। देखिए इससे तो तिरछी सिलाई करेंगे हम। तो इस तरह से कर लिया है सिलाई को और लेस को कट करेंगे और अब हम इस तरह से कट करेंगे ऊपर की साइड से। कट करने के बाद हम लेस को लगाएंगे ऊपर की साइड से जहाँ हमने तिरछी सिलाई की थी वहाँ पे। इस तरह से हम लेस को लगा लेंगे और देखिए लेस को 2-3 बार सिलाई चला लेनी है इस पर ताकि लेस अच्छे से लग जाए। और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमें लेस को रखना है और एक्स्ट्रा जो भी धागे वगैरह हैं हम कट कर लेंगे और चोली हमारी रेडी है। तो बहुत ही सुंदर बनी है देखिए ये वाली पोशाक, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगले वीडियो आप कौन सी ड्रेस की देखना चाहेंगे ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से ये खोलने में और पहनने में बहुत ही आसान है ये वाली ड्रेस, तो बहुत सुंदर लग रही है। और आप जब लड्डू गोपाल जी को पहनाओगे तो और भी सुंदर लगेगी। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।